हेलो गाइस, स्काई एजुकेयर पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन हिट करिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप सीधे उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लें, आपका कोई भी नोट्स और एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें मिस ना हो। तो गाइज, हम चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 2 है हमारा हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड अवर अर्थ। तो यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी पृथ्वी किस चीज़ों से बनी है, उनमें किन किन क्या क्या परतें हैं, हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी का आकार, जैसे कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में डिस्कस किया था कि कौन सा आकार होता है, जियोइड आकार होता है, यानी कि आसपास से चपटा और बीच में से चौड़ा। तो इस संरचना को हमारा क्या बोला जाता है, जियोइड बोला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी परतें हैं। पहली परत यानी कि हमारी सर जो सबसे ऊपर की परत है उसे परपिटी बोला जाता है। उसके बाद हमारी मध्य की परत क्या होती है, मेंटल होती है। उसके बाद हमारी सबसे अंदर की परत क्या होती है, क्रॉड होती है, जो दो भागों में विभक्त होती है, आंतरिक क्रॉड और बाह्य क्रॉड। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एनसीईआरटी के हैं। तो चैप्टर के बाद आप इनको देने की ट्राई करिएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथ में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले है हमारा भू परपटी। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भू परपटी एक ठोस परत है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो वो आप क्या बोल परपटी है, और उसको क्या वो कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है की पूरी, उसे क्रस्ट बोला जाता है। और एक दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि परपटी में कौन कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में होते हैं या फिर किन चीज़ों से बनी होती है, तो वो है हमारे सियाल, यानी कि आपके सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो ये आप याद करिएगा, सियाल से यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा तत्व हमारे क्रस्ट में यानी कि हमारे भू परपटी में उपस्थित होते हैं। उसके बाद है हमारी मेंटल। मेंटल यानी कि हमारी जो मध्यवर्ती परत होती है उसको हमारा मेंटल बोला जाता है। मेंटल क्या है, हमारी अत्यधिक गाढ़ी परत है, यानी कि ये हमारी द्रव अवस्था में होती है, लेकिन ऐसा द्रव जो हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, जैसे हमारा लावा होता है, लावा वगैरह होता है, उस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे जो हमारे रासायनिक तौर पर भिन्न होती है ये, उसे रासायनिक तौर पर कैसे भिन्न होती है, रासायनिक तौर आगे मतलब जिससे हमारे तत्वों से मिलकर बनी है, तो वो हमारी सियाल से मिलकर बनी यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, और ये हमारी किससे मिलकर बनी है, सीमा से यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा और कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के भूपटल ज़्यादातर ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में बने हैं। तो हमारी सबसे ज़्यादा जो संरचना है वो बनती हैं तो हमारी ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बनती हैं, और कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा। मेंटल या प्रवार भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की एक परत को कहते हैं। तो ये हमारी सीधे एक परत हो गई जो मध्यमिक परत होती है। तो ये हमारी जो पहली परत थी यानी कि क्रस्ट थी या फिर हमारी भू परपटी थी, उससे ज़्यादा मोटी होती है। पृथ्वी में भू प्रवाह लगभग 2100 किलोमीटर होती है। तो 2100 किलोमीटर की हमारी परत होती है लगभग लगभग। बाह्य क्रॉड तरल तथा आंतरिक क्रॉड ठोस अवस्था में होती है। तो हमारी क्रॉड जो होती है यानी कि हमारी जो सबसे आंतरिक परत होती है वो हमारी तरल अवस्था में होती है, अगर हम बाह्य वाला देखेंगे, और आंतरिक जो क्रॉड होता है वो ठोस अवस्था में होता है। उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3500 किलोमीटर, और व्यास हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 किलोमीटर का होगा इसका। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है। तो ये हमारी किससे बनी है, आपकी निकिल और लोहे से, या इसको कैसे याद करते हैं, नीफे से या फिर नाइफ से। तो नाइफ आपका जो याद करने की ट्रिक है वो हमारा क्या क्या डिनोट करती है, निकिल और सॉरी लोहा, यानी कि फेरस में आपके क्या हो जाएगा, ये फॉग आपका फेरस हो जाएगा, आपका नीफे का फेरस कहा जाता है। तो फेरस मतलब क्या होता है, आपका लोहा। केंद्रीय को ये इसका जो क्रॉड का तापमान होता है ये काफ़ी उच्च होता है। तो इसका तापमान क्या होता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो ये हो गया हमारी परपटी।
ये हो गई हमारी मेंटल, ये मेंटल कौन सी अवस्था में होगी, पूरी की पूरी द्रव, तो पूरी की पूरी द्रव अवस्था में केवल मेंटल होती है। उसके बाद जो हमारी क्रोड आएगी वो आधी हमारी तरल अवस्था में, यानी कि बाह्य वाली हमारी तरल अवस्था में होती है और आंतरिक वाली ठोस अवस्था में होती है। उसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, हमें दो जो स्रोत होते हैं वो हमें बताएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आंतरिक परतें इतनी ज्यादा ठोस है कि उसे अत्यधिक खोदना मुश्किल है। तो हमें कैसे पता चलते हैं, या तो प्रत्यक्ष स्रोत से पता चलते हैं या अप्रत्यक्ष स्रोत से पता चलती हैं। प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें सीधे जानकारी दे देते हैं कि हमारे आंतरिक संरचना कैसी है, और अप्रत्यक्ष स्रोत यानी कि हमें इनडायरेक्टली जो हमें जानकारी देते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत में हमारे ज्वालामुखी आ जाएगा, ज्वालामुखी से हमारा लावा निकला, उसको हमने देख लिया, उससे हमने देख लिया कि हमारे क्या क्या परते में हमारा क्या क्या तत्व या क्या क्या मिनरल्स हमारी हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत यानी कि हमारे हम क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों की जानकारी लेते हैं, और भूकंपीय तरंगों कहाँ से हमारी गुजर रही हैं, कहाँ से नहीं गुजर रही है, उससे हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारा क्या क्या उसकी संरचना है, यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये आपके अलग से फैक्ट हो गए, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं, तो ज्यादा हमारा खुदा नहीं है पृथ्वी में। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तभी हम उसकी आंतरिक सतह तक पहुंचेंगे, और जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हमारी शैल, हमारी यानी कि हमारे जो पत्थर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा इग्नियस यानी कि अग्नेय, दूसरी हमारी अवसाद यानी कि सेडिमेंटी या फिर सेडिमेंट्री, या फिर हमारी कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक। तो हम देखते हैं कि हमारी शैलें अलग अलग प्रकार की क्या क्या होती हैं। अग्नेय शैल यानी कि जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोट के समय में हमारा लावा निकला, उसे हमारी अग्नेय शैल कह दिया। ज्वालामुखी से हमारा विस्फोट हुआ, उससे हमारा लावा निकला, और वो हमारा ठंडा होकर उसने शैल बना दिया, यानी कि पत्थर बना दिए, तो उसे बोल दिया हमारा अग्नेय शैल। अवसाद शैल क्या होती है, यही जो शैल थी ये हमारी टूट गई, इनके इन पे हमारा प्रेशर पड़ा, या फिर हमारी धूप की वजह से इनमें क्रैक्स आ गए, और या फिर बारिश की वजह से क्रैक्स आ गए और ये टूट गई, तो ये छोटे छोटे भागों में टूट गई, इन्हें क्या बोल दिया हमारा, अवसाद बोल दिया, यानी कि अवसादी शैल या फिर सेडिमेंट्री शैल। फिर है कायांतरित शैल। अब जो हमारी छोटी छोटी शैल टूटी थी, सेडिमेंट्री शैल, अब जो ये हमारी शैल टूटी, इन्हीं शैल्स में तापमान और या फिर दाब ये बदला, और ये हमारी इन्होंने अलग ही इनसे अलग संरचना बना दी, तो इसको अलग जो संरचना बनेगी वो हमारी कायांतरित शैल कहलाएंगी। ये हमारा शैल चक्र है। तो शैल चक्र में हमारा मैग्मा था, मैग्मा हमारा ठंडा हुआ और अग्नेय शैल बना दिया उसने, वो टूटी हमारी अवसाद बन गई, ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों में उसने हमारी क्या बना दी, अवसादी शैल बना दी, ये लगभग लगभग एक जैसी होंगी, और इससे हमारा क्या बन गया, कायांतरित शैल बन गई। तो जो ये हमारे प्रोसेस होता है ये एक दूसरे में चलती रहती है, यानी कि फिर ये हमारी जो वो कायांतरित शैल होंगी ये धसेंगी, और ये अगर ज्यादा गर्म हो गई ये फिर पृथ्वी के अंदर जाके हमारी मैग्मा का निर्माण करेंगी, तो ये एक दूसरे में स्थानांतरित होती रहती हैं, तो इसे हमारा शैल चक्र कहते हैं। तो ये हमारा इग्नियस शब्द, ये हमारे लैटिन का वर्ड है। अब देखेंगे जितने भी हमारे शब्द होते हैं ये लैटिन या ग्रीक वर्ड से लिए गए होते हैं, क्योंकि सबसे प्योर, अब इन्हीं लैंग्वेजेस को क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस सबसे प्योर होती हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होना होता है। जैसे कि हम इंग्लिश का बोलेंगे तो इंग्लिश में कहीं पे हम यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन हमारी प्योर लैंग्वेज नहीं है, कहीं पे हम पी साइलेंट कर देते हैं, कभी कुछ साइलेंट कर देते हैं। तो जो लैटिन और ग्रीक वर्ड्स हैं ये हमारे एकदम प्योर वर्ड्स होते हैं, प्योर लैंग्वेज है, तो हम इन्हीं का यूज करते हैं जो हमारी स्टडी होती है स्कॉलर्स से रिलेटेड। तो इग्नियस शब्द यानी कि इग्नियस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, तो अग्नि से लिया गया है आपका। दूसरा है सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट है जिसका अर्थ है स्थिर। फिर है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित, जिसका अर्थ है परिवर्तन। अब यहाँ देख लेते हैं हम, ये हमारी जो हमारी महा ये हमारी हो गई महाद्वीपीय पर्पटी, यानी कि हमारा स्थल जो होता है पहाड़। फिर हम देखेंगे महाद्वीप है था ये, और इसके जो पर्पटी हो गई यानी कि ऊपरी परत हो गई, उसको हमने महाद्वीपीय पर्पटी कह दिया। और महासागर था हमारा, उसके जो पर्पटी थी उसको हमने महासागरीय पर्पटी कह दिया। तो महासागर की ऊपरी परत क्या हो गई, महासागरीय पर्पटी, महाद्वीप की ऊपरी परत महाद्वीपीय पर्पटी।
फिर है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, आप देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार हमें खोज होती है तो हमें खोज में दबे हुए चीजें मिलती है, दबे हुए पत्थरों में अवशेष मिलते हैं। तो वो जो हमारे कोई मर चुके हैं जीव, या फिर हमारे बहुत पुराने कोई पादप हैं, वो मर के हमें दोबारा से पत्थरों में दबे हुए प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी था। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो गाइस प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।